ओम नमः शिवाय। हाँ ओम नमः शिवाय। एक बच्चा है जिसको डर लगता है भूतों से, कौन है वो बच्चा? Yes guys, कौन है वो बच्चा जिसको भूतों से डर लगता है? हाँ यस हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यस दैट हैज बीन माय मंत्रा। अब लोग कहेंगे सर क्या कहते हो, मैं तो नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस दिस वर्क्स फॉर मी। मतलब मुझे कभी भी लगता है ना कि कुछ गड़बड़ हो गई है या फिर बहुत मुश्किल में हूँ, तो आई गो फॉर ओम नमः शिवाय। दैट्स माई थिंग, यू कैन गो फॉर एनी थिंग, लाइक यू कैन हैव एनी गॉड, ठीक है, जय हनुमान या वॉट एवर। क्यों इसे होता है ना तो दिस विल काम डाउन योर बॉडी ना, साइकोलॉजी में कहते हैं इट इज कॉल्ड एज द कामनेस वाला वर्ड। हर किसी का ना एक कामनेस वाला वर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू नो स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो इमेजिन करो यार विराट कोहली जब क्रिकेट खेलने जाता होगा तो मिलियंस, मतलब समझ रहे हो, एक 130 करोड़ की पॉपुलेशन उसको गालियां देंगे अगर वो आउट हो गया तो, ठीक है। कोई ओलंपिक्स में खेल रहा है तो कैन यू इमेजिन 130 करोड़ लोग उसे देख रहे हैं, तो कितना प्रेशर होता होगा उन पे, है ना। तो एट दैट टाइम व्हाट दे डू इज दे हैव अ ट्रिगर वर्ड, उनको साइकोलॉजिकली ट्रेन करा जाता है टू कंट्रोल देयर माइंड, दे कीप टेकिंग लाइक यू नो दे हैव सम वर्ड फॉर देमसेल्व्स, माइंड इज दिस, अपना फिगर आउट कर लो, ठीक है। तो इसी बात पे आज हम करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी क्यों हेल्प करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। सारे कोरोना जैसे बुरे नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे होते हैं, ठीक है। सारे कोरोना जैसे बुरे नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स अच्छे माइक्रोब्स होते हैं। तो आज हम अच्छे माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे। उन बेचारों का कम्युनिटी में नाम बहुत ख़राब है, आज हम उनको उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, है ना। आज हम देखेंगे कि वो कैसे हमारे खाने की चीज़ें इडली डोसा में काम आता है। वाह वाह, हाउ मेनी फील लाइक इडली डोसा? इडली डोसा किस किस को पसंद है? हमें बहुत पसंद है इडली डोसा, ठीक है। हमारे घर में तो दिन में लाइक आई गेस हफ्ते में 3-4 बार तो मम्मी डोसा ही बनाती है, बता नहीं। मम्मी कहती डोसा बना, तुम कहते हाँ खा लेंगे हम डोसा। तो गाइस लाइक द वीडियो, पहली बात जो जो डोसा लाइक करते हैं लाइक द वीडियो। फिर उसके अलावा फिर दही कर्ड, आई लाइक रायता, आई लव रायता, लाइक तो आई लव रायता, मतलब दोपहर को तो आई हैव रायता। रायता दही खाने नहीं चाहिए, नींद आते, बट हाँ आई लव रायता। आई गेस सबको रायता पसंद होता है, क्योंकि कह दो गाइस दही, दही कौन बनाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह बनवाता है। देन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो कौन बनाता है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। तो उनका नाम बहुत ख़राब है, तो हम उनका नाम आज सुधारेंगे, ठीक है। सब मिलके हम उनका नाम रोशन करेंगे, ठीक है। और अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है, अल्कोहल है ना, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस भी बनाने में हमारा हेल्प करता है। हमारी देश की इकोनॉमी अल्कोहल पे चलती है। इफ़ यू डू नॉट नो गाइस, अल्कोहल इज द बिगेस्ट व्हाट शुड आई से टैक्स प्रोवाइडिंग थिंग फॉर यू नो अ नेशन। जब आई गेस लॉकडाउन हुआ था तब आपने देखा होगा अल्कोहलिक लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे, उनको दारू नहीं मिल रही थी। तो अल्कोहल इज द बिगेस्ट व्हाट शुड आई से क्या कहते हैं, हाँ, तो अल्कोहल इज द बिगेस्ट रेवेन्यू प्रोवाइडर, तो वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का भी सोर्स है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, बहुत ही अमेजिंग है। हमें लगता है जनरली हम लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो, आज हम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे हम। गाइस एनसीईआरटी का वेदांतु का 11th एंड 12th चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं करा है। ये देख रहे हो कितनी बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं, मतलब ड्राइंग का लेवल देख रहे हो, मतलब देख रहे हो कितना तेज तर्रार लौंडा है ये, मतलब देख रहे हो, मतलब फट 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 पढ़ाए बढ़े पढ़ाए बढ़े पढ़ाए बढ़े, देख रहे हो इतनी जोश फुर्ती तंदुरुस्ती, देख रहे हो डायग्राम, देख रहे, देख रहे हो अभी इसके दांत, ये देख, ओ माय गॉड, देख रहे हो, वाह 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 वाह, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा इनको मिलके। आगे वेदांत 11th एंड 12th का टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लो, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें आती हैं वहाँ पे, हम नोटिफिकेशन, ये देखो सैड लौंडा, दिस इज सैड गाय, इस सैडनेस को हैप्पी कर देते हैं हम। आई गेस गुड, तो अब ये हैप्पी हो गए हैं, इसी बात पे इनको भी हैप्पी कर दिया। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे, ठीक है।
अब ये अंकल माइक्रो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे अच्छे बताएंगे इसी बात। अरे ये तो हमारे निखिल सर है, निखिल सर इज सो अमेजिंग। मुझे लगता है वेदांतु में ना मेरे बाद निखिल सर की स्माइल ही सबसे अच्छी है, क्या कहते हो बच्चों है, मेरे बाद निखिल सर की स्माइल काफ़ी अच्छी है। यस तो आगे चलने की बात पे, ओ ये कौन है, अरे इसकी भी स्माइल अच्छी है, ये भी अच्छा आदमी लग रहा है। तो यस गाइस माइक्रोस पढ़ रहे हैं, दो पार्ट में कर लेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसी बात पर आगे चलते हैं। ओह माय गॉड दिस इज साक्षी मैम, शी टीचेस केमिस्ट्री, अमेजिंग टीचर। एंड गाइस आपने मैथ्स वर्सेस बायो सेशन देखा अभी तक? अगर आपने नहीं जाके देखा है तो देखो, जाके देखो, बहुत ही अमेजिंग सेशन था। वी हैड सो मच फन विद वर्षा मैम, आई हैड सो मच फन, आई होप यू ऑल्सो हैड फन, तो गो एंड वॉच इट गाइस, बहुत ही अमेजिंग सेशन था हम लोगों का, बहुत ही फन। तो गाइस वर्षा मैम टीचेस एवरी डे एट 4 PM, यू कैन वॉच हर सेशन। अगर आप मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो यस यू कैन वॉच दैट। ओ गाइस वेदांतु का नीट का क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में है, ठीक है, उनकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो अच्छी है गाइस, नो डाउट, ट्रस्ट मी, इफ यू हैव बीन स्टडिंग ओनली बोर्ड्स। आई विल टेल यू माय स्टोरी, हुआ क्या था आफ्टर 11th ना, मेरी उम्मीदें बिखर गई थी बायो से, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा एटलीस्ट पास हो जाऊं 12th में बोर्ड्स में, मेरी ऐसी हालत थी, क्योंकि यू नो मतलब मुझे लाइक मुझे पसंद नहीं आया था। देन आई फाउंड माई गॉड लाइक टीचर, उन्होंने मुझे पढ़ा दिया, तो मेरे बायोलॉजी में 94 आ गए, ठीक है, बायो में आई गॉट 94, मैथ्स में आई गॉट 95, तो बायो में 94 आ गए। तो गाइस गेस करो, एक बात बताओ, जिस बच्चे के 94 आए हैं बायो में, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो वो नीट, उसको नीट, उसको मेडिकल तो डॉक्टर बनने लायक तो है ना ये बच्चा, ये बच्चा डॉक्टर बनने लायक तो है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 94 आए हैं 100 में से, तो इस बच्चे को तो बनना चाहिए ना डॉक्टर। बट ट्रस्ट मी गाइज, ऐसे 90% बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, ऐसे 90% बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, आई एम नॉट किडिंग गाइज, यू कैन आस्क, हर स्कूल में टॉपर होते हैं, हर स्कूल के बच्चे टॉपर होते हैं, बट सारे के सारे बच्चे नीट नहीं क्लियर कर पाते। क्यों क्यों? क्योंकि दे हैव नॉट डन नीट स्पेसिफिक प्रिपरेशन, उन्होंने नीट स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी होती, ठीक है। वैसे बच्चे क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद बुक्स पलटने की कोशिश करते हैं, नहीं होता गाइस, आई प्रॉमिस यू। आप एक बार बताओ अपने स्कूल में ही देखना कितने बच्चों का नीट क्लियर होगा, नीट जो क्लियर करते ना बच्चे, उनके आते 70-75% बोर्ड में, दे गेट 70-75% बोर्ड में, बट वो नीट क्लियर कर देते हैं। और नीट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, 90% नहीं, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 70-75%, और ये नीट एग्जाम क्लियर करना। 90 लेके आके क्या खाड़ क्या होगा, अचार डालेंगे इस 90% का, हमारा तो अचार डाला हुआ है हम तो डॉक्टर नहीं बन पाए ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू नीट स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अगर आप क्लास 12th में हो और आपने नहीं करा गाइस, आई एम टेलिंग यू दिस नीट क्रैश कोर्स, यू कैन ऑप्ट फॉर इट, आई वाउच फॉर इट, ओके, ट्रस्ट मी। आई आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स आई हैड जॉइंड अ क्रैश कोर्स, जहाँ पर उन्होंने पैसे तो ले लिए, पढ़ाया नहीं अंकल ने मुझे, ठीक है, टकले से अंकल थे, कुछ नहीं पढ़ाया उन्होंने हमें, बस पैसे ले लिए और कुछ नहीं करा। हम जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे, समोसा खाते थे और आ जाते थे। गाइज दिस थिंग्स डू नॉट हैपन वेदांत में, तो एटलीस्ट नहीं होता, आई कैन गारंटी यू दैट, ट्रस्ट मी। अब क्रैश कोर्स आपको सर क्यों ले, क्योंकि गाइज देखो प्रूवन रिकॉर्ड है, देयर हैव बीन स्टूडेंट्स हु हैव गॉट रैंक, ठीक है, ये सब बच्चों की रैंक आई हुई है, ठीक है, एंड द टीचर्स हु आर गोना बी टीचिंग यू, 1 rank, 3 rank, 4 rank, 9 rank आई है। गाइज देखो बात सुनो, आप 12th में चाहे 95% ले आओ ना, ठीक है, इट विल नॉट बी वर्थ फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर इफ यू आर नॉट क्लियरिंग नीट। देन फ्यू ऑफ विल बी सर क्या अभी नीट क्लियर हो सकता है, बेटा आई डोंट नो अगर हो सकता है कि नहीं, बट आई वुड से कि आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए विथ योर करंट स्ट्रैटेजी। इफ यू आर ओनली स्टडिंग 12th, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड और डन स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉर नीट, आई कैन गारंटी यू आपको नहीं हो रहा, बट इफ यू ट्राई प्रिपेयरिंग नीट नाउ, आई कैन थिंक कि हाँ हो सकता है, आई एम नॉट थिंक कि होगा, बट मैं कह रहा हूँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। दीज टीचर्स आर गोना बी टीचिंग यू 8 AM से 11 PM तक, आप डाउट पूछ सकते हो जितने भी हो। 500+ नीट सेलेक्शन हुए हैं लास्ट ईयर के क्रैश कोर्स से, 500+ हुए हैं लास्ट ईयर के क्रैश कोर्स से। इट विल डेफिनेटली, अगर आप रैंक लाने वाले हो, इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर रैंक, ठीक है, वेरी गुड। आगे 120 लाइव क्लासेस है गाइस, आई हैव कंफर्मड इट, 100% कंफर्मेशन है, 120 लाइव क्लासेस टिल
मई 2020 नहीं, ये जेई का है, जून तक होगा गाइस, इट विल बी वैलिड टिल जून। हर रोज गलती कर देते, मैंने को बोल बोल के परेशान हो गया, दुखी कर दिया मेरे को। यस गाइस, जून तक होगा। एंड यस, यहां पे 10 पार्ट टेस्ट एंड देयर विल बी 10 फुल लेंथ टेस्ट। देयर विल बी 10 पार्ट लेंथ टेस्ट एंड देयर विल बी 10 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, इफ यू टेक अप दिस क्रैश कोर्स यू कैन गो अप टिल द एंड। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, इवन आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी करोगे तब भी हो सकता है गाइस, ट्रस्ट मी, यू वुड हैव सीन। क्या कहते हैं, जो 6 मंथ का प्राइस था ना नीट का, आई गेस 30+ thousand था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोगों ने यहां पे मजाक उड़ाया था 30+, बट नाउ व्हाट आर यू गेटिंग इट फॉर 8,000। बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया टॉप 1, 3, 4 जिन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, गाइस ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, बेस्ट कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन एट दिस कोर्स विद दिस लेवल ऑफ क्वालिटी। यू माइट से कि सर कुछ जगह पे क्रैश कोर्स थोड़ा सस्ता मिल रहा है, बट गाइस द लेवल ऑफ क्वालिटी विच यू विल बी गेटिंग एंड द एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट, प्रूवन रिजल्ट, लास्ट ईयर ही बच्चों ने यही क्रैश कोर्स करा था, 500+ आए थे, उन 500 में से आपको नहीं लगता आपका एक नंबर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो यू कैन यूज दिस कोड AMRCC21 टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट, यस गाइस, फॉर दिस वन। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं अब। यस गाइस, ओ माय गॉड, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन सेकेंड लेटर है, अच्छा यू पे डिपेंड करता है गाइस, सक्सेस डिपेंड करता है यू, मतलब आपके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आज मैंने एक और नया थॉट पढ़ा था सदगुरु का है ना, इफ यू लाइक समवन यू विल एग्जैजरेट इन योर माइंड, इफ यू हेट समवन यू विल एग्जैजरेट दैट ऑल्सो। ठीक है, कई बार होता होगा आप लोगों को देखा होगा कि आपके मम्मी पापा कुछ कह देते आप उनको हेट करने लगते हो, अरे क्या हाल, कितने बुरे हैं, है ना। सदगुरु जी, आई फॉलो सदगुरु वेरी मच, है ना, तो यू वुड बी, है ना। तो गाइस, व्हाट आई वांट यू टू टेल इज कि मतलब गाइस, वो इमोशंस बोलते हैं, दैट इज नॉट यू टॉकिंग, दैट इज योर इमोशंस, है ना। कीप योर इमोशंस अवे एंड ऑलवेज थिंक कि आप थर्ड पर्सन की तरह अपने आपको ट्रीट करा करो, मतलब आप अपने थर्ड पर्सन होते हैं, मतलब जैसे कि मेरे मन कुछ आ रहा है ना, तो मैं अपना अमृत बन के डिसीजन लूंगा, मैं कहूंगा अगर मेरे दोस्त के साथ ऐसा होता तो मैं अपने दोस्त को क्या कहता, क्या कहता, मैं कहता पढ़ा लो, चलो आगे चलो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। इसी बात पे गाइस, वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजाइट्स इन अ मलेरियल पैरासाइट, ये क्वेश्चन पूछा था हमने, आंसर है भैया सलाइवा में, सलाइवा में होता है जिससे वो इंजेक्ट करता है हमारे अंदर। वेरी गुड, आयुषी सिंह जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छे, क्लैपिंग, थैंक यू बेटा। देन NS पंचोले, मिस्टर फाइव, पांच होले या पांच छोले, आई एम रियली सॉरी, पता चल मेरी पिटाई होगी, बेटा मजाक करा था, ऐसा कुछ नहीं है पंचोले, आई एम रियली सॉरी। देन मूविंग फॉरवर्ड, छाया झा, शैडो झा, शैडो झा कहने हैं, थैंक यू सर। सुनिधि एयर हवारे, सर इन एडिक्शन द रेसिस्टेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इन्होंने हमसे डाउट पूछा है। तो इन्होंने पूछा है कि सर एडिक्शन में रेसिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है। बेटा रेसिस्टेंस मतलब देखो, जब फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ ड्रग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपकी बॉडी ज्यादा हाई होती है, मतलब यू विल गेट अ वेरी हाई, बट इफ यू आर यूजिंग द ड्रग अगेन एंड अगेन, देन योर बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग रेसिस्टेंट, मतलब उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है और आपको कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब मान लो आप वो ड्रग ही बच्चे, सॉरी टच मी टच फुट, कोई यार ड्रग ही बच्चा है, कोई ड्रग, मतलब ड्रग ही अंकल है, वो नहीं होता है चर्सी अंकल जो होते हैं, मम्मी कहते हैं वो देखो चर्सी अंकल आप दूर रहो, है ना। मतलब हमारे बचपन में होता था कि वो चर्सी से दूर, मतलब उधर इधर आ जा, चर्सी वर्सी कैसे कहते हैं, है ना। तो मतलब वो ड्रग ही, मतलब ट्रस्ट मी गाइस, आपको बताता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजी की बात बताता हूँ, ठीक है। जनरली हम लोग किसी को देखते हैं ना, हमें लगता है ये नशा करता है, ये करता है, बट यू नो एवरी वन हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड themselves. If you see a poor person, they have a story behind themselves. If you see a person taking drugs, they have a story behind themselves. If you see a terrorist, they have a story behind themselves. If you see a criminal, they have a story behind themselves. ठीक है, तो we should not judge them on the face value कि why is he doing so or what. We need to understand there's a story behind all these things, है ना। तो I am not demeaning anyone, है ना, when I say, I'm just like, मैं बस आपको समझाने के लिए कहता हूँ, but you need to understand whenever you come across someone who's been bad to you, you need to understand they have a story of themselves, तो इसलिए उन्हें माफ कर देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यू शुड माफ, तो हम माफ कर देते हैं, बहुत दिल बड़ा है हमारा अमृतसर का, तो हमें कोई कुछ कहता है हम भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं। तो इसी बात पे
हाँ रेसिस्टेंस, तो गाइस बॉडी की रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, बॉडी की रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, मतलब यू विल हैव टू टेक मोर डोज ऑफ द सेम ड्रग टू गेट द सेम लेवल ऑफ हाई. यू विल हैव टू टेक मोर अमाउंट ऑफ द सेम ड्रग टू गेट, मतलब पहले मान लो एक गोली खा के हाई हो जाते थे, नाउ यू विल हैव टू टेक टू गोली, और आफ्टर अ मंथ यू विल हैव टू टेक थ्री गोली, मतलब क्योंकि दो गोली से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस बढ़ गया है टू शो एन इफेक्ट टू दिस थिंग. अरे बेटा वेरी गुड, आगे चलते हैं इसी बात पे. ओ माय गॉड 59 बच्चा आ गया, लाइक कर दो बेटा, एनसीईआरटी 11th एंड 12th चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे चलते हैं. ओ माय गॉड ये मैं मिटाना भूल गया, तो गाइस चलो ठीक है. तो देखो होता क्या है, माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है. हमने जनरली यही पढ़ा है, मैडम कहती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन गंदा बैक्टीरिया ये बीमारी करता है, फिर हमने देखा फंगाई गंदा ये बीमारी करता है, फिर हमने देखा वायरस बहुत गंदा लॉकडाउन करता है, बहुत सबसे खतरनाक है, दुनिया को नफरत हो गई है वायरस नाम से ही, बहुत ही दर्दनाक है, इसको तो मिटा देना चाहिए, गॉड बन जाऊं मैं और इसको भगा दूं, ठीक है. एल्गे बहुत गंदा, प्रोटोजोआ बहुत गंदा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से गाइस, ठीक है. इनके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे अभी जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कर रहे थे, हम इनके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे, अब हम आज इनसे अच्छी बातें करेंगे. गंदी बात गंदी 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 बातें हो गई, अब अच्छी बातें. तो गाइस ये सब छोटे छोटे हैं, देखो रॉड शेप्ड हैं बैक्टीरिया, ठीक है. ये स्पेरिकल होते हैं बैक्टीरिया, ये हमें पता है, हमें नहीं देखना, ठीक है. फ्लैजलेटेड होते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना. देन बैक्टीरियोफाज, ये वायरस है भैया, ये वायरस है, ये जो आ गया ना ये इतना मासूम सा लग रहा है, ये देखो इन द सेंस ऑफ वायरस है, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, ठीक है. तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे हम, कहने का मतलब ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, बैक्टीरिया फंगाई वायरस सब छोटे छोटे हैं, है ना, यही कहने का मतलब है, ठीक है. ज़्यादा इस पर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा. तो एक है ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ये फंगस ग्रो कर रहा है, अब इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है. वेरी गुड, अब देखो बहुत ही अमेजिंग, किस किस में यूज़ होता है गाइस, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में यूज़ होता है. हाउसहोल्ड प्रोडक्ट मतलब जैसे कि कर्ड में, डोसा बनाने में, केक बनाने वगैरह में, ठीक है. देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होता है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि हमने देखा था, है ना, अल्कोहल इंडस्ट्री पूरी इस पे चलती है ना. जूसेस वगैरह में भी गाइस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट, जो आपके घर से जो आप सुबह सुबह ड्रॉप करते हो वो कहाँ जाता है, कभी सोचा आप लोगों ने? यस, कभी सोचा आप लोगों ने? यस, तो गाइस वो सब चीजें जो आप ड्रॉप करते हैं सुबह सुबह, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है. इट इज ब्रोकन डाउन एंड द वाटर इज क्लीन्ड एंड वो रोटेट होके वापस म्युनिसिपैलिटी वाले वापस हमारे घर पे भेजते हैं. यस, तो ऐसा ही होता है. इसी बात पे देन बायोगैस प्लांट्स में भी यूज होता है, बायोगैस बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है. देन और क्या चाहिए होता है, बायो कंट्रोल एजेंट. यस गाइस, ये डिसीज कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, है ना बेटा. बीटी कॉटन में देखा ना, बीटी कॉटन में हमने क्या करा था, बीटी बैक्टीरिया का जीन लेके हमने कॉटन में लगा दिया था, है ना, तो ये हमने करा था. देन बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर में क्या करते हैं हम बैक्टीरिया को पानी में मिक्स करके ग्राउंड में डाल देते थे, है ना बेटा. तो ये सब बहुत चीजें हमने देखी, ये सब हम देखेंगे इनके बारे में, ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखेंगे. तो गाइस चलो देखते हैं पहले हम हाउस होल्ड में कौन यूज करते हैं. गाइस इसमें ना थोड़ा थोड़ा याद करने वाला है, याद तो करने वाला क्या है, मतलब यू विल बी एबल टू डू दैट, थोड़ा सा इसको रट्टा करने वाला है, हल्का सा रट्टा करना है, ज्यादा नहीं, मतलब हो जाएगा, ठीक है. और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम करेंगे, नीट की तैयारी भी करेंगे. इसी बात पर आगे चलते हैं. ये तो हमारा फेवरेट है लैक्टोबैसिलस, बताओ क्या करता है लैक्टोबैसिलस. यस, ये दही वाला है. ये कौन सा वाला बैक्टीरिया, दही वाला, सबका फेवरेट होता है दही. गाइस दही इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, प्रोबायोटिक, ठीक है, आपको दही खाना चाहिए, इसमें अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है. तो प्लीज मेक इट अ हैबिट टू ईट कर्ड इन समर, अभी चलो विंटर हो रहा है आप लोगों के यहाँ पे, बट समर में प्लीज डू हैव इट, ठीक है, इट इज गुड फॉर डाइजेशन, है ना. तो अब ये किसकी वजह से होता है बेटा, लैक्टिक जो होता है दही ना, उसमें एक बैक्टीरिया होता है कॉल्ड एस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, और लैक्टोबैसिलस. ये क्या करता है, ये करता है गाइस, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, है ना, क्या करता है, ये मिल्क में, आपने मम्मी को देखा होगा, मम्मी दही डाल के रखती है दूध में, है ना, दूध में दही डालती है और सुबह तक दही जम जाती है ना, मम्मी करती है ना, रात को दही डाल के रखती है, सुबह तक दही जम जाती है, क्यों होता है,
बेटा जो वो दही डालते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो जो मिल्क का प्रोटीन होता है ना, मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन होता है, उसको क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वो प्रोटीन कोएगुलेट होकर चंक सा बन जाता है ना, दही का थोड़ा चंक चंक सा बनता है ना, तो वो ऐसा होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये होता है। और क्या होता है बेटा, वो विटामिन B12 बनाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, उसका विटामिन B12 भी बनाता है। जब वो मिल्क प्रोटीन को तोड़ रहा होता है, उससे क्या बनाता है बेटा, विटामिन B12। तो फायदा क्या है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, कर्ड बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है बाई ब्रेकिंग डाउन मिल्क प्रोटीन एंड इट ऑल्सो एड्स विटामिन B12। वाह वाह, बहुत बढ़िया है ना बेटा। चलो ये क्या करता है बेटा, ये जब पेट में होता है ना, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनकी कंट्रोल को भी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। बहुत ही अमेजिंग बैक्टीरिया है, मेरा तो फेवरेट है। मतलब मुझे कोई कहेगा कि कौन सा बैक्टीरिया तुम्हें चाहिए, तो मैं लैक्टोबैसिलस को अडॉप्ट कर लूँगा। क्या कहते हो, तो अपना आप किस बैक्टीरिया को अडॉप्ट करोगे बताओ मुझे। ठीक है, द माइक्रोब्स कॉमनली यूज इन किचन आर, वाओ बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है गाइस, 2020 में आया था, एक नंबर का। ठीक है, बताओ इसका क्या आंसर होगा। यस एग्जैक्टली गाइस, आंसर इज लैक्टोबैसिलस एंड यीस्ट, है ना। लैक्टोबैसिलस दही वाला जो मम्मी रात को दूध में डालती हैं, एंड यीस्ट जो हमारी मम्मी डोसा में डालती हैं या फिर ब्रेड बनाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट मिल्क अंडरगोज विद सूटेबल स्टार्टर और इनोक्युलम इज एडेड। बेटा जो मम्मी चम्मच से थोड़ा सा डालती है ना, उसको इनोक्युलम कहते हैं। इनोक्युलम मतलब स्टार्ट करने के लिए, मतलब वो बैक्टीरिया की फैमिली जो बढ़ के बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, मतलब होता नहीं कि पहले छोटी सी थोड़ी सी एक दो लोग आए फिर वो एकदम से भर गए, है ना। तो वो बैक्टीरिया की जो स्टार्टिंग के जो एंसेस्टर बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको कहते हैं हम इनोक्युलम, जो मतलब रिप्रोड्यूस कर करके अपनी पूरी कॉलोनी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इनोक्युलम होता है। हाउ डज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड प्रूवन टू बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये प्रूवन हेल्थ के हेल्पफुल क्यों है गाइस, क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पहले तो है ना, ये क्या करता है, कोएगुलेट एंड डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, विटामिन B12 बनाता है, और ये क्या करता है, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनको ग्रो करने से रोकता है। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया बैक्टीरिया है। वेरी गुड, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, ये है हमारा यीस्ट, ये क्या है हमारा यीस्ट, वाह यह है हमारा यीस्ट वा। ठीक है, जो बडिंग करता रहता है ना, जैसे बडिंग करता रहता है ना, यह है यीस्ट वा, यह बहुत बडिंग करता है। ठीक है, तो ये क्या गाइस, इसका नाम देख लो, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, नाम ही आएगा। ठीक है, इससे दोस्ती कर लो, ब्रेड व्रेड बनानी पड़ेगी बहुत ज्यादा, इससे दोस्ती कर लो, याद कर लो इसको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस माइसिसवा सैक्रोमाइसिसवा सेरेविसी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कुछ याद करो ना करो, मैं ट्रस्ट मी, मैं आपको ना लिख के देता हूँ कि ये क्लास 12th में किसी ना किसी एग्जाम में तो आएगा, फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, प्री बोर्ड, ये या बोर्ड में ही किसी ना किसी एग्जाम में तो आएगा, या फिर नीट में तो जरूर आएगा ही। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, नीचे आके मेरे को कमेंट में बता देना, नहीं आया ऐसा मत बोला करो, मैं अगली बार से नहीं बोलूंगा अगले साल से कि ये आएगा, बट मेरे को जहां तक पता है बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, या फिर स्कूल के किसी एग्जाम में तो आएगा। तो यस गाइस, अब ये क्या करता है, ये करता है बेटा, ये सबसे फेवरेट वाला, ये हमारा ब्रेड वाला है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये ब्रेड वाला है, ये इडली डोसा वाला भी है। ठीक है, तो ये करता है बेटा, ये जब फर्मेंटेशन करता है, अगर आपको याद होगा तो यीस्ट जब फर्मेंटेशन करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। व्हेन यीस्ट फर्मेंटेट करता है तो क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बनता है ना बेटा। तो जो इथेनॉल बनता है ना, ये उसको टैंगी सा टेस्ट देता है, उसको टैंगी टेस्ट देता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको फ्लफी बनाता है। आपने डोसा खाया होगा तो डोसा थोड़ा पोरस होता है ना, डोसे में थोड़ा छेद छेद से होता है ना, डोसे में थोड़ा छेद छेद होता है, तो वो पोरस होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एस्केपिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करने लगता है, उसके साथ डोसा क्रंची और टेस्टी हो जाता है। वाह वाह, डोसा क्या के यार, मैं ना बहुत डोसा खाता हूँ तो मेरे मुंह से पानी नहीं आता आजकल तो मतलब फिर भी ठीक है, आई लव माई डोसास। तो यार मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस टुडे, बट आई लव छोला भटूरा मोर देन छोले भटूरा मोर देन डोसा। मूविंग फॉरवर्ड, टॉडी क्या होता है बेटा, टॉडी इज अ अल्कोहलिक ड्रिंक, केरला में बहुत फेमस होती है। ठीक है,
उसको क्या करते हैं बेटा, इट इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटिंग, इट इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटिंग पाम सैप। पाम सैप क्या होता है बेटा, पाम ट्री का ना वो जूस होता है ना, पाम ट्री को उसको उस पे यीस्ट, उसमें यीस्ट डाल के उसको फर्मेंट करते हैं ना, तो उसको टॉडी बनता है। ठीक है, होता क्या है ना, देखो डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस आर फॉर्म्ड बाय फर्मेंटिंग डिफरेंट सीरियल्स। मतलब वीट, वीट को फर्मेंट करोगे तो डिफरेंट अल्कोहल मिलता है, ग्रेप्स को फर्मेंट करोगे तो आपको वाइन मिलती है। समझ पा रहे हो, मतलब जो रॉ मटेरियल होगा जिसमें आप यीस्ट डालोगे वो डिसाइड करेगा कि आपको अल्कोहल कौन सा वाला मिलेगा। ठीक है, वीट बियर होती है, उसमें वीट में आप फर्मेंट करते हो। ठीक है, कोई डिफरेंट टाइप का कोई सीरियल है उसको फर्मेंट करोगे तो डिफरेंट टाइप की आपको अल्कोहल मिलेगी, है ना। जब आप ग्रेप को फर्मेंट करोगे आपको वाइन मिलता है ना, तो ये सब चीज होती है। समझ पा रहे हो, तो एक बोलने तो मैं ये वाला था कि एक ठेका खोल देना, मतलब एक अल्कोहल की कंपनी खोल देना, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं ऐसा मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था यार, मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा खौफ हो गया, फोबिया हो गया मेरे को, इंटरनेट फोबिया हो गया। मुझे लगता है मेरे, मैं कुछ बोल दूंगा और बट दुनिया कुछ ना कुछ बोलती रहती है। दुनिया तो मतलब बहुत ही कुछ बोलती है। आई लाइक आई हैव सीन पीपल सेइंग आई डोंट नो व्हाट ऑल दे कीप सेइंग। और यहाँ देखो सर, एक चू करने में भी सर की यू नो वो सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। बहुत डरपोक हो गए हैं सर, क्या कहते बच्चों, हैं ऐसा लगता है आप लोगों को है ऐसा लगता है। हाय भैया हाउ आर यू, डिस्ट्रक्टिव सोल, नाम इतना डिस्ट्रक्टिव सा और हाय भैया हाउ आर यू, इतना इतना थोड़े से, अरे यार बी फियरलेस। मैं तो चाहता हूँ, मैं बहुत फियरलेस हूँ, मैं बहुत फियरलेस था पहले, फिर अब मैं सेटल हो गया, अब मैं शांत हो गया, अब मैं शांत वाली कैटेगरी में हो गया हूँ। पहले आई यूज टू राइड माई बाइक, इट यूज टू गो एट 120, मतलब अगर सिग्नल पे कोई बाइक है ना तो सबसे पहले मेरी बाइक रहेगी, ऐसा था। फिर 3-4 बार मैं उड़ उड़ के गिरा, ठीक है मतलब टक्कर हुई, उड़ के नहीं गिरते लोग, मैं ऐसे उड़ उड़ के गिरा 3-4 बार, चोट वोट लगी, उंगली ऐसे लटक गई थी एक बार मेरी उंगली ऐसे लटक रही थी, मैंने कहा ये क्या हो गया तो आफ्टर दैट आई रियलाइज, फिर मैं सेटल हो गया। मैं जिंदगी में बहुत, मैं बहुत ही धीरे चलाता हूँ बाइक, मैं नो रैश ड्राइविंग, सो आई बिकम वेरी सेटल। तो यार, तो दिस इज यू नो लाइफ टीचर्स यू ऑल दिस थिंग्स। तो ट्रस्ट मी गाइस, वंस आई हिट अ कार एंड माय फिंगर वाज लाइक हैंगिंग लाइक दिस, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा कटेगी, आई थॉट अब तो ये कटेगी, उंगली ये वाली कटेगी, लाइक इफ यू कम एंड सी मी समडे आई कैन शो यू, तो आई थॉट अब तो ये कटेगी उंगली, है ना। तो फिर मैं, हाँ मैं एग्जैक्टली अब बड़ा हो गया हूँ ना, डर, अरे यार आगे चलते हैं इसी बात पे। तो बहुत दुख हो रहा है हमें, हमारे जवानी के दिन याद आ रहे हैं। तो गाइज होता क्या है, माइक्रोब्स यूज करके हम सोयाबीन फिश बैम्बू शूट से डेलिकेसी बनाते हैं। ठीक है, डेलिकेसी बनाने की बात हो रही है ना, इसी बात पे आगे चलते हैं। हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको, हमारा हार्ट ब्रोकन हो गया अभी, तो इसी बात पे आगे चलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ चीज, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं गाइज, डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज। फॉर एग्जांपल एक स्विस चीज होती है जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक है, कोई चीज होती है जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, है ना, वो क्या होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, मतलब ये शर्मा जी का बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बड़े बड़े होल वाले चीज बनाता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी मेक्स चीज विद बिग 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 होल, बड़ा बड़ा होल वाला बैक्टीरिया बनाता है, सॉरी वो बनाता है, चीज बनाता है, ठीक है, वेरी गुड। देन एक रॉकफोर्ट चीज होता है भैया, ये पेनिसिलियम रॉके फोर्टे बनाते हैं, तो ये तो इजी है, रॉके फोर्टे देख के हम रॉकफोर्ट चीज बना लेंगे, ठीक है। फिर एक होता है कैम्बरबर्ड चीज, ये भी कैम्बरबर्डी बनाते हैं, ठीक है गाइस। देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ना ये शर्मा जी का वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन जब भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको शर्मा दिखता है ना, वो कहते हैं यही पूछेंगे हम, ठीक है, ये कैम्बरबर्टी रॉकफोर्टी इनको ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन में देखना हमेशा यही आता है, शर्मा जी वाला बैक्टीरिया ही आता है, ठीक है, तो इसको तो जरूर याद कर लेना, शर्मा जी वाला बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। देखो हमने बोला था स्विस चीज आर ड्यू टू, हमने बोला था देखो स्विस चीज आर ड्यू टू, 2020 में आया था क्वेश्चन, है ना, हमें पता ही है शर्मा जी वाला बैक्टीरिया,
ठीक है, स्विस चीज शर्मा जी वाला बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े होल्स करता है, ठीक है। ये बड़े बड़े होल्स करता है, ये सलमान खान का फैन लगता है हमें, ठीक है। सलमान खान इतने छेद करते हैं कि पता नहीं क्या डाउट लगता, बट या ये भी ऐसे बड़े बड़े छेद कर देते हैं, ये बहुत बड़े बड़े छेद करते हैं चीजवा में। आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पिया जाएगा इसी बात पे। ओके अब ये फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में बात होगी, अब हम अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर और केमिकल्स और एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। ये तो हमें पता ही है सर, बातें करते रहेंगे। बड़ा देखो बात पता है क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, देखो ये हमें पता है ना, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, ये याद है हमें। ग्लूकोज से जैसे ही चीजें साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर होता है उसका कहता है पाइरूवेट बन जाता है। अरे यार एक बात सोचो, जो मैं ग्रेप्स में वाइन बनाता हूं, ग्रेप्स में ऐसा क्या है? ग्रेप्स में ग्लूकोज है, स्वीटनेस होती है। राइस और वीट उसमें क्या है? उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है जिसको ब्रेक करके मैं अल्कोहल कुछ बनाता हूं, समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनाया, फिर ये क्या हुआ? यस गाइस, ये साइटोप्लाज्म में आया है ना, साइटोप्लाज्म में आया। अब अगर ये प्रोपियोनिक बैक्टीरियम में जाता है तो ये प्रोपियोनिक एसिड बनाता है, अगर एस्परगाइलस में जाता है तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है, सैकेरोमाइसिस में जाता है ये क्या बनाता है? यस गाइस, इथेनॉल बनाता है। क्लॉस्ट्रिडियम में जाता है ये क्या? नेल पॉलिश रिमूवर है ना, ये सब बनाता है, एसीटोन वगैरह। एस्केरिचिया एसिटोबैक्टर में जाता है, ये एसिटिक एसिड बनाता है, समझ पा रहे हो? मतलब इन सबको ग्लूकोज दे दो, ये कुछ कुछ बना लेंगे। मान लो वो नहीं होते यार, यू हैव केप्ट वर्कर्स है ना, आपके यहाँ पे वर्कर्स हैं है ना, बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको एसिटिक एसिड चाहिए, तो क्या करोगे आप? ले जाके ग्लूकोज इसको दे दोगे तो ये करेगा एसिटिक एसिड बना देगा। अगर आपको चाहिए अल्कोहल तो आप क्या करोगे? ये जाके सैकेरोमाइसिस को दोगे, ये बना देगा। फिर आपको चाहिए नेल पॉलिश रिमूवर, आप इसको ग्लूकोज दोगे, ये नेल पॉलिश रिमूवर बना देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ये, दिस इज हाउ यू यूज द बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आगे चलते हैं, इट एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें। जैसे कि मैंने बताया था, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अल्कोहल बनाने में काम आता है, ये यू नो उसमें काम आता है, क्या कहते हैं, ब्रेड में, डोसा में, तो सब में आता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है। तो ब्रूअर्स यीस्ट होता है ये गाइस, ये क्या होता है? एंशियंट टाइम से सोमरस चलता था पहले, जब एंशियंट टाइम में सोमरस आपने सुना होगा, दैट वॉज एल्कोहल, ठीक है। सोमरस बचपन से चलता आ रहा है। इट इज बीन यूज सिंस एंशियंट टाइम, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस फ्रॉम द फ्रूट जूस। देखो आप दो तरह से कर सकते हो, या फिर सीरियल को कर दो, सीरियल मतलब कार्बोहाइड्रेट है ना, जैसे कि मतलब मिलेट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, उसको फर्मेंट कर दो, या फिर फ्रूट को फर्मेंट कर दो, ठीक है सर, है बेटा। देन अब फर्मेंटेशन करने के बाद गाइस, ठीक है, उसको अगर आपने डिस्टिल करा तो वाइन या बियर मिलती है विदाउट डिस्टिलेशन, अगर आपने डिस्टिल करा तो आपको विस्की या रम मिलती है, फिर ब्रांडी। मतलब इनमें जो अल्कोहल कंटेंट होता है इसमें कम होता है विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब पता है ना क्या करते हो, डिस्टिलेशन में क्या करते हो गाइस, डिस्टिलेशन में आप क्या करते हो, आप इसको हीट करते हो और डिफरेंट टेम्परेचर पे आप इसको हीट करते हो, तो क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट अल्कोहल बॉइल होता है और वो अपने डिफरेंट लेवल पे जाके सेटल हो जाता है। याद है डिस्टिलेशन किस में आता है? फिजिक्स में आता है कि केमिस्ट्री में आता है? डिस्टिलेशन किस में आता है गाइस? जब वो आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है, ये गर्म होता जाता है ना, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर समथिंग एल्स है ना। तो कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा? डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो कभी भी गाइस ये विस्की, रम और ब्रांडी, ठीक है, ऐसे जूस की तरह मत पी जाना, ठीक है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। दे हैव अल्कोहल परसेंटेज 37-43% कुछ होता है इनमें, इसमें 7-8% होता है, कैन यू इमेजिन? तो दिस इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इसको मत पी लेना, ठीक है। यू व्हाट विल हैपन, लाइक इट विल गिव बैड, व्हाट शुड आई से, हाई, इट यू विल गेट लाइक द पीपल गेट हाई ओवर हियर इन दिस, ठीक है, वेरी बैड दिस इज, मतलब बैड इन द सेंस, मतलब एकदम से अल्लाह से कटक मत जाना कभी, यू नो होता है। मूविंग फॉरवर्ड, फर्मेंटर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन। ये गाइस यहाँ पे देख रहे हो, ये बड़े बड़े जो ये टैंकर हैं
व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यस ये जो टैंकर है, ठीक है, टैंकरों में क्या है, इसके अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर वी पुट द सीरियल एंड लेट लीव इट फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है, तो इट इज द देन फर्मेंटेशन प्लांट, इफ यू कैन सी फर्मेंटेशन प्लांट, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, यस गाइस, ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं, यस, अब आते हैं एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक और वैक्सीन के, गाइस अब हुआ क्या, एक अंकल थे, हमारे अंकल थे, ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट अंकल, ठीक है, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अंकल, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अंकल बैक्टीरिया के साथ खेल रहे थे, ठीक है, बैक्टीरिया के साथ खेल रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, ये बैक्टीरिया ग्रो कर करके खेल रहे थे, हुआ क्या, इन अंकल के बैक्टीरिया, एक ना ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ सामान था, उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे, बैक्टीरिया वेर नॉट एबल टू ग्रो, बैक्टीरिया डर रहे थे इस ग्रीन वाले से, दिस ग्रीन वाला वॉज कैरिंग ऑल दिस बैक्टीरिया, है ना, देन अंकल वॉज लाइक ये क्या है, बोथ इज दिस, अंकल वॉज लाइक बोथ इज दिस, है मेरे बैक्टीरिया इससे क्यों डर रहे हैं, तो फिर अंकल को पता चला ये जो ग्रीन कलर की जो चीज थी, द ग्रीन कलर थिंग विच वॉज हियर, इट इज वॉट गाइज, इट इज पेनिसिलिन या इट इज अ फंगाई, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, ये पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगाई था जो कि एक केमिकल बना रहा था जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि इन बैक्टीरिया को डरा रहा था, विच वॉज नॉट लेटिंग दिस बैक्टीरिया टू सर्वाइव, तो इसे देख के इन अंकल को बहुत बढ़िया आइडिया आया, इनको लगा कि अब मैं इसको यूज करके सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर दूंगा, मतलब ही थॉट कि आई कैन यूज दिस प्रिंसिपल समवेयर एल्स, तो अराउंड वर्ल्ड वॉर टू टाइम गाइस दे फाउंडेड पेनिसिलिन, दिस सेव्ड लाइव्स ऑफ मेनी सोल्जर्स, क्यों होता क्या था गाइस, जब आपका कट हो जाता ना इन वॉर एंड ऑल, इफ इट गेट्स कट, तो बैक्टीरिया यूज टू स्टार्ट ग्रोइंग ओवर देयर, तो इसके चक्कर में आपको बहुत बार ना आपका आर्म एम्प्यूटेट करना पड़ जाता था, यू हैव टू गेट योर आर्म एम्प्यूटेट फ्रॉम दिस मेनी टाइम्स, यस, है ना, तो टू प्रि तो नाउ दिस कुड बी यूज, मतलब पेनिसिलिन डाल दो तो दे विल बी किलिंग द बैक्टीरिया, तो यू विल नॉट हैव टू कट द पर्सन आर्म, ठीक है, तो दैट वॉज दैट, तो ये बेसिकली छोटी सी स्टोरी थी, है ना, यस आगे चलते हैं, एंटीबायोटिक, सर अब एंटीबायोटिक होता क्या है बेटा, देखो एंटीबायोटिक देखो दो होती है, बच्चे इसी में कंफ्यूज आते हैं, एंटीबायोटिक एंटीबॉडी, बेटा देखो एंटीबायोटिक मतलब बायोटिक के अगेंस्ट है ये, एंटीबायोटिक मतलब इट इज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, ठीक है, मैं ऐसा कुछ बनाऊं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने ना दे, ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक, जैसे कि ढिंचैक पूजा के गाने, ठीक है, वो यार वो मेरे पे केस तो नहीं कर देगी ढिंचैक पूजा, तो मतलब ऐसा कुछ गंदा सा गाना, ठीक है, जिस जो दूसरों को जीने ना दे, तो वो एंटीबायोटिक है, ठीक है, और जिसने उसको बनाया है, ठीक है, वो उसका सोर्स है, ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यस गाइस, आई कैन सी 95 लाइक्स, मेक इट 100 ना, इतना बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने, है ना, मारती है ना, वेदांतु ने हमें पहले ही डांट रखा है, कहा है कि कुछ नहीं बोलना किसी के अगेंस्ट, कुछ नहीं बोलना, इतना बड़ा सा मेल आया था कि मतलब कि कुछ मतलब ऐसा वैसा नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना बड़ा मेल था, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है, पढ़ा था मैंने एक एक वर्ड पढ़ा था, बट द थिंग इज कि मतलब बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस थे, गाइडलाइंस थी कि मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना, तो जैसे मैं बताता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अंकल है ना, ही वॉज वर्किंग विद स्टेफेलोकोकाई, वो स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे थे, ही ऑब्जर्व दैट स्टेफेलोकोकाई कुड नॉट ग्रो, स्टेफेलोकोकाई कुड नॉट ग्रो अराउंड द पेनिसिलियम नोटेटम, तो उन्हें समझ आ गया कि एंटीबायोटिक है, गाइस आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट इज एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक इज समथिंग विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विच डज नॉट अलाउ द which does not allow other living organisms to live, तो मतलब जो आपको antibiotics डॉक्टर देता है, जब आप खांसी करके जाते हो है ना, डॉक्टर खांसी हो रही है, तो डॉक्टर कहता है ये लो एंटीबायोटिक की कोर्स लिख दिया है मैंने, है ना,
इसका मतलब क्या है, वो आपको क्या दे रहा है, वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कुछ बनाया है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। पहले हम फंगस एंटीबायोटिक बनाते थे, फिर हमें पता चला कुछ बैक्टीरियाज भी एंटीबायोटिक बनाते हैं जो कि अदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, तो हम बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है, ये एंटीबायोटिक। दूसरा होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी वो कौन बनाता है, वो हमारी बॉडी के WBC बनाते हैं। एंटीबॉडी कौन बनाता है, WBC, समझ पा रहे हो, डिफरेंट। एंटीबायोटिक बाहर के ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया फंगा, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के, ठीक है, और एल्स मदर की बॉडी से हमारे पास आता है, हमने देखा था कोलोस्ट्रोम में, है ना, वेरी गुड, है ना, आगे चलते हैं। यस, तो हमने देखा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अंकल ने करा, ठीक है, और ये हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चेन अंकल थे, इन्होंने क्या करा, एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक। मतलब फ्लेमिंग अंकल ने बताया कि ऐसा कर सकते हो, तो ये उनके शिष्य थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, यस गाइस, इन्होंने उसको अच्छे से यूज करा, दे यूज्ड इट प्रॉपरली, ठीक है, दे यूज्ड इट प्रॉपरली, आगे चलते हैं, ठीक है, यस, उन्होंने उसको अच्छे से यूज करा। देन इट वॉज यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू टू सेव द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, इट वॉज यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, आगे चलते हैं। तो फ्लोरे चेन एंड फ्लेमिंग रिसीव्ड नोबल प्राइज, इनको नोबल प्राइज मिला, समझ पा रहे हो, देखो ढूंढा अंकल ने, इन लोगों ने इंप्लीमेंट करा, तो इट कैन बी यूज फॉर गाइस एंटीबायोटिक्स ऑफ न्यू प्लेग के लिए, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रसी, इन सब के अगेंस्ट हम यूज करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही अमेजिंग है गाइस, ये एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं, केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये एग्जाम में आते हैं। मतलब पूछा जाता है सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, एज पर गाइलस नाइगर, एसिटिक एसिड असिटोबैक्टर असिटाई, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, ब्यूटाइलिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिकम, देन इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग इज दैट, अब इसमें क्या है गाइस, ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये आप याद कर लेना अच्छे से, यस, ये एग्जाम में आएगा। आप इसको याद कैसे करें बेटा, यू हैव टू लर्न इट, आई डोंट नो, मैं तो रट्टा मार लिया था, आप भी रट्टा मार लो। सिट्रिक एसिड देखो, लैक्टोबैसिलेट तो ईजी है ना, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर ये भी ईजी है ना, ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये भी ईजी है, इथेनॉल तो हमें पता ही है, सिट्रिक एसिड एस्परगाइलस नाइगर है, ठीक है, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर इट, आगे चलते हैं। देन यस अगेन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकॉकस प्रोड्यूसेस एन एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है, ये वाला एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, विच इज क्लॉट बस्टर की तरह यूज करते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकॉकस, वो क्या बनाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो क्या करता है, आपके क्लॉट को बस्ट करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन बस्टिंग द क्लॉट। मतलब आपको सर ये क्या हुआ पता, देखो होता क्या है, जैसे कि आपके घर में पाइप में कचरा जम जाता है ना, कई बार वॉश बेसिन से पानी नहीं जा रहा होता, मतलब वहां पे क्लॉटिंग होती है। सिमिलरली ब्लड वेसल्स में क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स में कई बार कचरा जम जाता है, ब्लड वेसल्स में कई बार कचरा जम जाता है, तो दिस कचरा इज रिमूव्ड, क्लॉट को बस्ट करा कौन हेल्प करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यस, इज इट गुड, समझ आया। तो क्लॉट बस्टर, लाइपेस डिटर्जेंट में यूज होता है, लाइपेस क्या होता है गाइस, एक और एंजाइम है लाइपेस, ये डिटर्जेंट में, जैसे कि आपने खाना खाते खाते ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा लिया, ठीक है, है, तो अब ऑयल के दाग वगैरह कैसे जाते हैं, डिटर्जेंट में गाइस एक एंजाइम होता है लाइपेस, जो कि आपके गंदे गंदे दाग एरियल वगैरह में लाइपेस होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना बेटा, प्रोटीनेस एंड पेक्टिनेस आर यूज्ड टू क्लैरिफाई बॉटल्ड जूसेस, मतलब जूस में है ना ये प्रोटीन और पेक्टिनेस होते हैं, ताकि उसको क्लियर कर सके, ठीक है, उसमें जाके पल्प ना दिखे। आगे फिर आता है गाइस साइक्लोस्पोरिन ए, फिर आता है साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये क्या करता है बेटा, ये करता है ये इम्यून, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना ऑर्गन लगाया, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल ने ऑर्गन लगाया, ठीक है, दूसरा अब उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, हमने देखा था लास्ट क्लास में ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, हमने देखा था ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सेल आके अटैक करने लगते हैं कि तू बाहर का सेल है यहाँ पे कैसे आ गया टाइप्स, है ना,
तो उसको शांत करने के लिए टू प्रिवेंट दैट साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड. गाइस दे विल आस्क इन द क्वेश्चन कि क्या है साइक्लोस्पोरिन ए, कौन बनाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और वो कहां से आता है, ठीक है, और वो करता क्या है. वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ना बेटा, ये गंदी चीज है. इम्यून सिस्टम सप्रेस नहीं होना चाहिए, बट जब हम कोई फॉरेन डीएनए वगैरह किडनी वगैरह लगाते हैं तो इन दैट केस वी टेक इट, है ना. देन देयर इज स्टैटिन. ये गाइस मोनस्कस परप्यूरस, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनस्कस परप्यूरियस, है ना, एक यीस्ट है. ये क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा कम करता है, सॉरी इट लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल क्यों बैड होता है गाइस, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अगेन ये जम जाता है हमारे ब्लड वेसल में. कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ब्लड वेसल्स में हमारे, ये जम जाता है, तो इट इज बैड. यस स्टेटिंस क्या होता है गाइस, मोनस्कस परप्यूरस, यस प्रोड्यूस बाय मोनस्कस परप्यूरस, है ना, लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल. यस इफ आई एम गुड, आगे चलते हैं. यस तो लेट अस सी, एक क्वेश्चन आया था, देखो मैंने बताया था ना मोनस्कस परप्यूरस क्या करता है गाइस. यस व्हाट डज इट डू, व्हाट डज इट प्रोड्यूस, साइक्लोस्पोरिन ए. एंड व्हाट डज इट, व्हाट डज इट यूज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. देन अब देखो एंटीबायोटिक, कौन एंटीबायोटिक बनाता है, कहने से पेनिसिलिन रोटेटम पेनिसिलिन बनाता है ना. यस ओ सॉरी मोनस्कस परप्यूरस स्टेटिन बनाता है, विच इज यस गाइस व्हाट वाज दैट, मोनस्कस परप्यूरस क्या बनाता है गाइस, यस स्टेटिंस बनाता है विच इज ब्लड कोलेस्ट्रॉलिंग एजेंट. साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाता है ना, ये कौन बनाता है, यस गाइस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. और वो क्या करता है, व्हाट डज इट डू, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट. ग्रेट समझ आया, मोनस्कस परप्यूरस स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये करता है गाइस, व्हाट डज इट डू, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट. यस थक गया यस गाइस जल्दी जल्दी करो अभी, यस है ना, तो यस दिस इज 1 2 3 4 आप लिख सकते थे. आगे देखते हैं गाइस, नीट के सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं. आर यू रेडी टू प्रैक्टिस नीट क्वेश्चंस? यस बच्चे पूछते हैं सर नीट के क्वेश्चन करा दो, सर नीट में मैं पास करा दो सर नीट में. बेटा देखो, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एंड प्रोड्यूस बाय द सेम, यस गाइस मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड पेनिसिलियम रोटेटम एसिटिक एसिड, विच ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड. यस गाइस ये तो सबसे ईजी है, करेक्टली मैच कौन सा है, एग्जैक्टली हमारा एल्कोहल वाला सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए दैट इज इथेनॉल, है ना. नेक्स्ट वन मैच कॉलम 1 and column 2. यस गाइस यस सिट्रिक एसिड बुटालिक एसिड इज क्लॉस्ट्रिडियम बुटालिकम. यस सही कह रहा है, यस सी 5 कहां मेरे बच्चे, 4 ही तो है, A3 है. यस सही कह रहा है मैंने, यस गाइस बताओ एग्जैक्टली. यस गाइस यू कैन क्रॉस चेक, आंसर इज A का 3 B का 1 C का 4 D का, आप क्रॉस चेक कर सकते हो बट मैंने करके दिखा दिया था ऑल द वे. गाइस इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दे वोंट आस्क यू वन. देखो इन वन क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन में उन्होंने आपसे 4 इंफॉर्मेशन पूछ ली है, दे हैव आस्क्ड यू 4 इंफॉर्मेशन इन वन. एंड गाइस यू कैन ऑल्सो डू मैच द फॉलोइंग, मतलब देखो एलिमिनेट करके भी कर सकते हो. यार देखो आपको ये तो पता ही होना चाहिए ब्यूटाइलिक एसिड, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप एक दो भी निकाल लोगे तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट फ्यू अदर ऑप्शंस, है ना, एंड वी कैन डू दैट. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू इट. ओ माय गॉड एक और, स्ट्रेप्टोकॉकस स्ट्रेप्टोकाइनेस रिमूवर ऑफ द क्लट. यस ये तो सही है. क्लॉस्ट्रिडियम बुटाइलिकम लाइपेस, नहीं ये तो ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है ना. यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तो ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है. यस साइक्लोस्पोरिन यस मोनास्कस स्टेटिन यस. तो गाइस यस सी अगेन नीट 2021 में 2016 में आया था, आंसर इज बी दिस इज रॉन्ग. और पता है गाइस प्लीज माइंड ओवर हियर, प्लीज 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 फोकस. हम क्या करते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, हम है स्मार्ट बच्चे, हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वी नेवर सी रॉन्गली. और यहाँ पे लिखा होता है कई बार नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, सॉरी है ना. तो गाइस प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, है ना, रॉन्गली नॉट ये सब चीजें जहां पे भी हो
यस, ये सब चीजें जहां पे भी हो प्लीज जब भी आप देखो यू हैव टू व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू अंडरलाइन इट. व्हाट आई एम सपोज टू डू, यू आर सपोज टू अंडरलाइन इट एंड मार्क इट, ताकि आप गलत ना करो. क्योंकि जनरली टेंडेंसी क्या होती है, हम पहला देख के मार्क करा आगे चले गए. प्लीज है ना बेटा, प्लीज प्लीज डू टेक नोट ऑफ दिस. कभी भी आपको नॉट वगैरह दिखे तो यू शुड मार्क इट, है ना. आगे चलते, ये दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच पीपल डू. द गट्स ऑफ द काउ एंड बफेलो, काउ और बफेलो के इंटेस्टाइन में क्या होता है, मिथानोजेन, साइनोबैक्टेरिया, फ्यूकस, क्लोरेला. यस गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली द आंसर इज मिथानोजेन. काउ के इंटेस्टाइन में मिथानोजेन, दबी लाइक दैट इज वाई वी यूज द गोबर ऑफ द काउ टू मेक बायोगैस. दैट इज वाई वी यूज गोबर ऑफ द काउ टू मेक बायोगैस, है ना. उसको कंपोस्ट में डालते हैं क्योंकि वो जो बैक्टीरियाज होते हैं दे कैन प्रोड्यूस मीथेन विच हेल्प्स अस. नेक्स्ट, 2019 में आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. गाइस देख रहे हो, 2015 में आया था, 2019 में आया. यस एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट. ओ सॉरी माय बैड, अबे ये जाता क्यों नहीं है. स्टेटिन है ना, साइक्लोस्पोरिन इज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, इट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, है ना बेटा. ये क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर है, ठीक है. आगे चलते हैं, देन होमवर्क क्वेश्चन. वाई गॉड, ग्राइट, ग्रेट, समझ आया, मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, मुझे पता भी नहीं चला एक घंटे से, एक घंटा होने वाला ऑलमोस्ट. यस गाइस, होप यू लाइक दिस सेशन. दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इसका आंसर क्या होगा. एंड यस गाइस, इफ यू आर इन अ क्लास 12th एंड यू आर लुकिंग फॉर सम कोर्स और यू आर लुकिंग फॉर सम मैजिक टू हैपन सो दैट यू गेट इन टू अ मेडिकल कॉलेज, आई वुड से दिस इज द मैजिक विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर. I would say start as early as possible क्योंकि अभी exams आपके postpone हो चुके हैं, ठीक है. You have a good amount of time and ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे पढ़ोगे it won't beneficial for boards. It will definitely definitely benefit you guys and the number of questions which you are gonna do and the concept revision, I cannot emphasize more on this. है ना, do have a look for this, है ना, have a yes, do see that. And guys yes, 8000 rupees का course है, you can go AMRCC21. If you check out the 6-month prices, बहुत ज़्यादा होते हैं, you will almost get access to 6-month का course. So yes, on this, classes happen every 5:30 guys and Saturday at 8 PM. You can check over here, है ना. And yes guys, do not forget to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel, all of you who are here. Yes, keep smiling. Yes, बेटा विश कर दिया हमने अभिषेक सर को, हम अभिषेक को कैसे विश नहीं करेंगे, है. Yes, I wished him, I spoke to him, he is doing great. ट्रीट नहीं दे रहे हैं, बस आप उनसे पूछना अमृत सर को ट्रीट कब दोगे, ठीक है. अभिषेक सर से पूछना अमृत सर को ट्रीट कब दे रहे हो, है ना. कंजूसी मत करो. यस, तो कीप स्माइलिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, आज इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर एंडिंग द सेशन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल एंड वी विल सी यू गाइस, बाय बाय.